हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो ट्री एकेडमी। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर टू की। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर वन, उसमें हम लोगों ने बात की थी बेटा वर्क की, कि वर्क क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूले हम लोगों ने देखे और उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि काइंड ऑफ वर्क या टाइप ऑफ वर्क किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या जीरो वर्क हो। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट द टर्म एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या डिस्कस करेंगे? एनर्जी। तो एनर्जी होती क्या है किसी बॉडी की? किसी भी बॉडी की एनर्जी जो होती है बेटा, वो उसके वर्क करने की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। अब यहां पर हम इस कैपेसिटी को एबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, एबिलिटी टू डू वर्क, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आप जो वर्क करते हैं उसकी कैपेबिलिटी या एबिलिटी आपकी या कैपेसिटी जो है वही आपकी एनर्जी है। यानी कि आप जितनी एनर्जी यूज करेंगे आप उतना ही वर्क डन करेंगे। यानी कि यो टोटल एनर्जी, जितनी भी वर्क डन में आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो आप उतना ही वर्क डन कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब ये जो एनर्जी होती है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगा तो क्या आएगा? द यूनिट ऑफ द एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ वर्क। अच्छा, अब यहाँ पर एनर्जी की यूनिट वर्क की यूनिट के सेम क्यों होती है? बिकॉज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट पहला ही लिखा है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी टू डू ए वर्क। यानी कि आप जितना काम करते हैं उतनी ही एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स वाई आपकी एनर्जी की यूनिट जो होती है बेटा वो वर्क की यूनिट के सेम होती है। सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। तो एसआई यूनिट को हम लोग जूल बोलते हैं और सीजीएस यूनिट को हम लोग अर्ग बोल देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इनकी कुछ बड़ी कुछ छोटी बहुत तरीके की यूनिट होते हैं। तो कुछ बिगर यूनिट्स में क्या आ जाती है? द बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर वॉट आवर। क्या बोलते हैं इसको? वॉट आवर एंड किलो वॉट आवर। अब ये जो वॉट आवर या किलो वॉट आवर, ये जो एनर्जीज हैं या फिर ये जो यूनिट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात जब हम करते हैं तो वहां पर उसको कैलकुलेट वॉट आवर या किलो वॉट आवर में कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, वन वॉट आवर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, वन वॉट आवर इज इक्वल टू 1 watt into 1 hour. 1 watt hour का मतलब 1 watt into 1 hour. 1 watt का मतलब 1 joule per second और 1 hour का मतलब 3600 second. So that means become 3600 joule, which is equal to 3.6 kilojoule. अब इसको आप ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं? 3.6 into 10 to the power 3 joule. It is also written as this. Okay बेटा, समझ गए? आगे कह रहा है किलो वॉट आवर। बेसिकली हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है उसका कैलकुलेशन हम किलो वॉट आवर में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? किलो वॉट आवर में करते हैं। तो 1 kilowatt into 1 hour, 1 kilowatt consist of 1000 watt. ठीक है, तो इसे हम लोग 1000 joule per second लिख के 3600 joule लिख देंगे, then it become 3.6 into 10 to the power 6 joule. एक रिलेशन ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये रिलेशन बहुत जरूरी होता है याद रखना, और इसको ओवरऑल आप 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब ये जो हीट एनर्जी होती है बेटा, हीट एनर्जी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? बेसिकली हम लोग कैलोरी और किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। हीट एनर्जी इज अ एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी और किलो कैलोरी। बेसिकली हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरी या किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। तो 1 joule इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, यानी कि 1 किलो 1 कैलोरी में 4.18 जूल कंसिस्ट होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। आगे आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। तो हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी और उसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म की। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी और उसके डिफरेंट फॉर्म में दो ही तरीके की एनर्जी ज्यादा आती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले कह रहा है, बात करेगा काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ध्यान दीजिएगा इसके, इसको आराम से देखिएगा। द एनर्जी पॉजेस्ड बाई वर्चू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देन इट मींस टू से, अगर कोई बॉडी मोशन में है, याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी किसमें है बेटा? मोशन में है, तो वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी पॉज कर रही है, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी मानी जाएगी।
यानी कि हर एक बॉडी जो मूव कर रही है, जो मोशन में है, यानी कि द एनर्जी पॉजिटिव बाई वर्चू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि मोशन करने वाली बॉडी में कौन सी एनर्जी कंसिस्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी कंसिस्ट होती है. इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, आगे कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी पॉजिस्ड बाई ए मूविंग बॉडी कैन बी मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क विच द मूविंग बॉडी कैन परफॉर्म बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट को समझिए. क्या कह रहा है? द काइनेटिक एनर्जी पॉजिस्ड बाई ए मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी के थ्रू जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, कि जब वो मोशन करने में रेस्ट आने से पहले पहले जितना वर्क डन करता है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. यानी कि आपका वर्क डन ही आपकी एनर्जी होती है. तो आप रेस्ट में आने से पहले जितना वर्क डन कर लेते हैं चलने में, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है. तो यहां पर वही स्टेटमेंट कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा. देखिए यहां क्या कह रहा है, कैन बी मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क विच द मूविंग बॉडी कैन परफॉर्म, जब मूविंग बॉडी परफॉर्म कर रही है आगे, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले आपने जितना काम किया है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेगा. ठीक है, आगे, टू कैलकुलेट इट एन अपोजिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई द अपोजिंग फोर्स इज कैलकुलेटेड. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो वो रुकती है, तो रुकने के लिए उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसका वर्क डन निकालने के लिए अपोजिट फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. यानी कि अपोजिट फोर्स ने जितना वर्क डन किया उतना ही वर्क डन ये बॉडी कर रही है. ठीक है, तो उसके वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करके इस बॉडी के वर्क डन को निकालते हैं और फाइनली हमें क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर कह रहा है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाई ए कॉन्स्टेंट अपोजिंग फोर्स F. लेट A बी द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाई द फोर्स F एंड द बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस F बिफोर कमिंग टू रेस्ट. देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल बॉडी वर्क डन बाई द रिटार्डिंग फोर्स इन स्टॉपिंग इट. यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रिटार्डिंग फोर्स इन टू द डिस्प्लेसमेंट. देन इट मीन्स टू से, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. इसका मतलब आपका जो काइनेटिक एनर्जी हुआ वो क्या है, वर्क डन है, इज इक्वल टू द रिटार्डिंग फोर्स. रिटार्डिंग फोर्स का मतलब एफ और इनटू ए, और रिटार्डिंग फोर्स एफ और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आता है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमको इसको डिस्प्लेस करना होता है. क्या करना होता है बेटा, इसको हटाना होता है. सो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ये ए होगा, ए मैंने लिख दिया, यहां एस होता है, सॉरी बेटा, F into S displacement. तो F is equal to mass into acceleration. पहली equation ये आ गई. अब आता है S की बारी. अब आती है S की बारी. तो हमको मालूम है कि उसके रुकने के पहले, तो यहां देखिए ऊपर लिखा है, suppose a body of mass m, body का mass कितना है बेटा m है, and initial velocity v है, and brought to rest और final velocity rest यानी कि zero है. So constant opposing force F और वो एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कर रही है. ठीक है, विच इज ए. सो द बॉडी ट्रेवल एट अ डिस्टेंस एस, एस डिस्टेंस तक बॉडी ट्रेवल कर रही है. तो हमको एस के लिए, देखो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस के लिए फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हमको मालूम है, हम यहां से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है बेटा, वी है. इनिशियल वेलोसिटी कोई वी है तो वी इंटू टी. ठीक है, यहां पे t आएगा. अच्छा, साथ ही साथ हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखिए यहां पर v इंटू टी, हमको टाइम के बारे में कुछ भी यहां पता नहीं है, याद रहे हमको टाइम के बारे में यहां कुछ भी पता नहीं. तो टाइम के बारे में अगर हमको पता नहीं है तो क्या हमारा इसका कैलकुलेशन हम बेटर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का फॉर्मूला ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का. यहां से हम s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. अब v स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर है हमको पता है, u स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो है. फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है. तो इसको जीरो रख लिया, इज इक्वल टू u स्क्वायर. u स्क्वायर का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि v है, और ये प्लस टू ए एस. अब यहां प्लस की जगह हम माइनस पुट करेंगे. माइनस क्यों पुट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला है, माइनस टू ए एस.
अब हम यहां से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उठा के इस साइड कर देते हैं, तो जब मैंने इस वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में किया, देन इट इज प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, देन s इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 2 a इनटू v स्क्वायर, क्या आ गया, a इनटू v स्क्वायर, यहां से s की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ रहे हैं आप, सॉरी a अपॉन में आ जाएगा, ए कहां आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ए यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो सॉरी थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूं, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए और वी स्क्वायर ऊपर है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन 2a, S की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2a, तो आप इतना बेसिक कैलकुलेशन करके आप यहां लिख सकते हैं, तो आप यहां लिखिए कि यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां पर रिटार्डेशन हो रहा तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as, s को इस साइड कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, देन s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, 1 और 2 को वर्क के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी is equal to F into S है, तो F की वैल्यू क्या बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन पहली इक्वेशन से, और इनटू S की वैल्यू क्या है, V स्क्वायर अपॉन 2A, तो A से A कैंसिल हो गया, तो is equal to क्या आ गया, MV स्क्वायर अपॉन 2, अब मैं इस MV स्क्वायर अपॉन 2 को हाफ MV स्क्वायर लिख लेता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला में क्या मिल जाता है, हाफ MV स्क्वायर, so the kinetic energy is equal to half mv square, ये आ जाता है बेटा हमारे पास एक general formula kinetic energy को calculate करने के लिए, kinetic energy is equal to half mv square, यानी कि body का mass और body की velocity, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, kinetic energy को calculate करते हैं, okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा, next आता है बेटा potential energy, बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या कह रहा है, द एनर्जी कॉजेड बाय वर्चू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और चेंज कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब बॉडी, पहली चीज तो यहां कुछ चीजें नोट करिए कि जब भी बॉडी रेस्ट में होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी शो करती है, क्या करती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, वही कह रहा था, एनर्जी कॉजेड बाय वर्चू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि रेस्ट में और साथ ही साथ उसकी पोजीशन को डिफाइन करना कि वो पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल तो है लेकिन उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको दो तरीके की और पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, बट विद द हेल्प ऑफ देयर पोजीशन वी कैन, हम क्या कह सकते हैं कि पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको हम दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड करते हैं, पहला ग्रेविटेशनल और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो क्या रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर अर्थ के सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पर, कोई भी हाइट अर्थ के सरफेस से कोई भी हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे, यानी कि अर्थ से टच ना हो, अर्थ के ऊपर कोई भी चीज है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो हम क्या मानेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, सो दिस एनर्जी इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, और इस एनर्जी को क्यों आता है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी हाइट पर रखा है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहां जो वर्क एनर्जी आ रही है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी एनर्जी आती है बेटा वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिएगा ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कह रहा है
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाई स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट बाई एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग। तो कह रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, तो उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है उस टाइम वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जस्ट लाइक एक सिंपल सी चीज समझो, मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कुछ इस टाइप की होती है, ये स्प्रिंग है, इसमें इसकी इलास्टिक, अब इसको हमने कंप्रेस कर दिया, तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो इस टाइम इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये वापस आना चाहता है, तो बिकॉज ऑफ किस एनर्जी से आएगा, वो पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट ए हाइट Above the ground is measured by the amount of work done in lifting it up that height against the force of gravity. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है the gravitational potential energy of the body above the ground, किसी भी body की gravitational potential energy को calculate करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही work done निकालते हैं, तो work done is equal to क्या आ जाएगा, force of gravity into displacement, तो force of gravity mg होता है और डिस्प्लेसमेंट उसकी ग्राउंड से हाइट होती है, सो दैट इज बिकम एम जी एच, दैट इज बिकम एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पीई यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में यू से भी लिखते हैं, यानी कि यू इज इक्वल टू एम जी एच, एम का मतलब मास, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच का मतलब द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, अब देखिए यहां पर क्या रहा है, कन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम कन्वर्जन की बात करेंगे बेटा, कन्वर्जन, अब यहां पर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपको, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। अभी देखिएगा, द फर्स्ट पोजिशन इज दिस, यहां पर एक नेल है, दैट इज अ नेल, और यहां पर एक हैमर है, तो ये हैमर इस ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पर है, यहां पर एक पर्टिकुलर हाइट है, सो बिकॉज ऑफ हाइट इस हैमर में अभी फिलहाल के लिए कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ हाइट। लेकिन जब आप हैमर को नीचे की तरफ लाते हैं, कहां लाते हैं बेटा, जब आप हैमर को नीचे की तरफ लाते हैं तब इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, दे स्टार्टेड मोशन, अगर मोशन स्टार्ट हो गया तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, मोशन स्टार्ट होते ही इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सो यानी कि ये हैमर अभी काइनेटिक एनर्जी कर रहा है, ठीक है। अब फाइनली ये हैमर इसके ऊपर गिरेगा, तो जब इसके ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है रुक भी जाएगा, तो ये ओवरऑल जो यहां पर आएगा कॉन्सेप्ट वो आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी का, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी से इसके ऊपर स्ट्राइक हुआ, यानी कि एक हाइट का रीजन जो कि पोटेंशियल एनर्जी का था और एक स्पीड का रीजन जो कि मोशन का था यानी कि काइनेटिक एनर्जी का था, तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रखी है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही काम करती है, यानी कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। एक और अच्छा हमको एग्जाम्पल मिलता है, ये तो ग्रेविटेशनल का एग्जाम्पल था, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल किसका था बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का था, नीचे वाला एग्जाम्पल हमको जो मिलेगा वो मिलेगा इलास्टिक का, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हमें मिलेगा जो कि कन्वर्ट कर रहा है इनटू काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक पर्सन है, बेसिकली आर्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्चर, ये एक आर्चर है, इसने बो लिया हुआ है, एरो ली हुई है, और ये बो को फायर करने के लिए क्या कर रहा है, एरो को स्ट्रेच करता है पीछे की तरफ, तो आपको ये एरो दिखाई दे रही होगी, ये सॉरी ये स्ट्रिंग दिखाई दे रही होगी, ये इस स्ट्रिंग को क्या करता है, पीछे की तरफ स्ट्रेच करता है, तो जब स्ट्रिंग पीछे की तरफ स्ट्रेच होती है तो स्प्रिंग ये सॉरी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को जब हम पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो इस स्ट्रिंग में क्या आती है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में, स्ट्रिंग करके उसे क्या क्या है, उसे
पीछे की तरफ पुल करके होल्ड कर रखा है स्ट्रिंग को, उसने एरो पकड़ा है, स्ट्रिंग के साथ अटैच है और उसको होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी तो है, बट ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब इस स्ट्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो अगर स्टोर हो गई तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, खींची हुई है, तो ये वापस से रिस्टोर होकर अपनी पोजीशन पर जाना चाहेगी कि नहीं जाना चाहेगी, तो वापस से जाएगी विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये स्ट्रिंग वापस अपनी पोजीशन पर जाएगी तो इसके साथ अटैच है बेटा यहां पर ये एरो, ये एरो को क्या करेगी आगे की तरफ धकेल देगी, एरो को क्या करेगी आगे की तरफ धकेल देगी, पुश करेगी। तो जैसे ही इसने अपने हाथ को क्या किया वहां से छोड़ा, तुरंत ये स्ट्रिंग वापस अपनी पोजीशन पर आना चाहती है, और वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए स्ट्रिंग क्या करेगी आगे की तरफ आएगी। तो स्ट्रिंग जब आगे की तरफ आएगी तो उससे कनेक्टेड होगा ये एरो। तो जब स्ट्रिंग कॉज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वापस अपनी जगह पर आ तो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो इस एरो को भी आगे लाती है। अब एरो में कॉज ऑफ मोशन क्या आ जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये एरो काफी स्पीड से आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां पर आपने पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्जन देखा। पहला एग्जांपल था ग्रेविटेशनल का और दूसरा था इलास्टिक पोटेंशियल का, ठीक है बेटा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, ये आपने देखा। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है, ठीक, समझ में आया। तो एक बार आप फिर से क्विक रिवीजन कर लीजिए कि क्या क्या आपने देखा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था एनर्जी का, इसमें कुछ यूनिट्स वगैरह थी। इसके बाद आता है जो मेन डेरिवेशन आता है, वो आता है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। तो काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको, मान लीजिए मैं एक बार फिर से इस एनर्जी के डेरिवेशन को समझाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या गया, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो एफ इंटू एस, यानी कि अपोजिट फोर्स कि उसको कैलकुलेट करेंगे उसकी एनर्जी को। तो रिटार्डिंग फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एफ इनटू ए, मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। दूसरा होता है एस, तो यूजिंग द इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन को यूज करके हमने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस रखा। बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी थी रेस्ट में आने से पहले, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, इसको हमने रख लिया जीरो। इनिशियल वेलोसिटी थी वी, दैट्स व्हाई वी रिपुट वी, और ए नेगेटिव है, देन इट इज माइनस टू ए एस, ये रख लिया, ओके। नेक्स्ट, अब यहां से हमने इसको ट्रांसपोज करके इस साइड में किया, सो इट्स बिकम टू ए एस, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस साइड में आएगा पॉजिटिव हो गया, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हम यहां से एस की वैल्यू निकालेंगे, तो वी, अब इसको भी ट्रांसपोज करेंगे तो ए नीचे की तरफ आएगा, टू नीचे की तरफ आएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन टू ए। अब जब वी स्क्वायर अपॉन टू ए आ गया एस की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, एस और F की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के पहले वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो F, ये टोटल क्या था बेटा, F था, और ये टोटल क्या है बेटा, S है। तो F into S है, तो F की जगह हमने क्या पुट कर दिया, MA, और S की जगह क्या पुट कर दिया, V square upon 2A। तो देखते हैं कि A से A कैंसल हो गया, then it's become MV square upon 2, ये आ गया। अब इस MV square upon 2 को 1 upon 2, यानी कि जिसको हम लोग कंसिडरली रीड क्या करते हैं, हाफ, क्या रीड करते हैं हम इसको, हाफ 1 upon 2 एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया, या तो हम इसको बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आता है हमारा जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का। इसका डेरिवेशन ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि कभी कभी आपसे इसके डेरिवेशन के बारे में पूछ लेता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मूलाज के डेरिवेशन आते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन आते हैं तो इसका मतलब आप चीजों को एक्सप्लोर करना जानते हैं, यानी कि आप फॉर्मूलेस को रिलेट करना जानते हैं, आप उनके बीच में एक रिलेशन निकालना जानते हैं, जिससे आपको आगे के लेवल में डिफिकल्टी नहीं होती। अगर मान लीजिए आप एडवांस लेवल की चीजें करना चाहते हैं तो आपको वहां पर डिफिकल्टी फेस नहीं होती, क्योंकि आप टर्म्स को रिलेट करके फॉर्मूला को कैलकुलेट करना जानते हैं। न्यूमेरिकल स्टफ नहीं होते बेटा, फॉर्मूलाज स्टफ होते हैं, लेकिन जिस दिन आपके फॉर्मूलाज में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए, तो फिर न्यूमेरिकल थोड़ी टफ है,
न्यूमेरिकल में तो हमको फॉर्मूला पता ही रहता है, फॉर्मूले में केवल वैल्यूज पुट करनी और न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है, वहां कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहाँ रिलेशन होता है कि हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन को इसके साथ रिलेट करके एक पर्टिकुलर उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा फोकस करना होगा। इसके बाद आता है साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आपको पता ही है, एमजीएच आता है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को यू भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एमजीएच, और काइनेटिक एनर्जी को कहीं कहीं के भी लिख लेते हैं, केवल के इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर भी लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है और अच्छे से मन लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक आप अच्छे से मन लगाइए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ओके बच्चा, बाय बाय।